मौजूद हैं थाना सिटी चनियोट के SHO जफर इकबाल। बहुत शुक्रिया सब साहब, आपने वक्त दिया। दादी के घर में पोते जा सकते हैं, साथ ही बिल्कुल घर का अलहदा रहते हैं जी। इनका घर अलहदा है, इन्होंने कत्ल ही क्यों किया? कत्ल लालच में आगे किया, क्योंकि इनके अंदर इनको ये नहीं था कि हमें सिर्फ वो दो चूड़ियाँ और ये बालियाँ मिलेंगी। ये समझ रहे थे कि दादी के पास चूँकि पूरे घर की सरबराह है, पांच उसके बेटे थे, दो बेटियाँ थी, पूरे घर को ये हेड कर, और एक बेटा बाहर भी है, एक बेटा बाहर भी है। तो वो ये समझ रहे थे जी दुबई में, समझ रहे थे कि वो इनके इसके पास दादी के पास बहुत सारा पैसा है, जब हम इसको पकड़ेंगे तो वो सारा कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके पास जो था वो भी चार पाँच महीने से बर था, जो उसे छीना और उसे कत्ल करके दरिया में। अच्छा सर, सब इतराब पे जगह तो कर लिया, अब लाश कैसे रिकवर की? वो इन्होंने पका दी थी जी, दरिया चनाब में इन्होंने पका दी थी, दरिया सैलाब आ गया। अभी तक भी हमारी टीम है वहाँ पे काम कर रही है, आज तक लाश में रिकवर नहीं होती। तो हमने वहाँ पे गोताखोर हमारे 112 वाले भी हैं और हमारे प्राइवेट जो है वो भी हमने हायर किए हुए हैं। अभी तक पता ना 10-12 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी क्लियर कर चुके हैं, जिस एरिया में नहीं मिली अभी आगे को वो, क्योंकि शाम के टाइम वो बंद कर देते हैं और दिन के टाइम वो आगे फिर तलाश करना शुरू। सैलाब आने की वजह से ज़्यादा मुश्किल हो गई? जी ज़्यादा मुश्किल हो गई, सैलाब क्योंकि बहुत ज़्यादा आया था, 2-2.5 लाख उससे गया था पानी, उसकी वजह से ना वो अभी मुश्किल पड़ रही है उसकी नाश को तलाश कर। मुलजमान ने मजीद क्या तफ्तीश के दौरान जेवर, इन्होंने जब उसको दाब लिया तो फिर ये इस बात पर इनको डर था कि अगर दादी को हम जिंदा छोड़ेंगे तो ये खानदान को बताएगी, खाने के बाद फिर फंस जाएंगे। तो अपने उस गिरफ्तारी के खौफ से बचने के लिए फिर उन्होंने दादी को कत्ल कर दिया। इनके जेहन में था, भाई मान में भी नहीं था कि हमारा कोई नाम लेगा, ये खुद फिरते रहे पहले कि जी हमारी दादी जो है वो कत्ल हो गई, हुआ जी जो महीना वो बरामद कराई जाए, जो मुदैया साथ आते थे, क्योंकि हमारी जो दादी है वो जैसे वो आंसू पाते हैं, क्योंकि हमारी दादी है वो सुनने कर लिए तो आप मेहरबानी करें, दूसरे दिन फिर तकरीबन दूसरे दिन इनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इनको पकड़ा और तफ्तीश की। अच्छा जफर साहब, लाश ना मिलने से केस पे काफ़ी असर पड़ता होगा, मुलजमान की सजा के हवाले से भी, इस पर क्या कहेंगे? अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो इनको इनके किए की करार वाक्य सजा मिलेगी? इंशाल्लाह इनके पास इनके खिलाफ काफ़ी सबूत हमारे पास हैं, साइंटिफिक सबूत भी हैं और वैसे जो लोगों के जो बयान आते हैं वो भी हमने कलम बंद किए जिन्होंने इनको जाते हुए देखा है। सही। उसके अलावा फिर अभी तक चूँकि हम तफ्तीश जारी है, हमने उसके लिए 201 जुर्म होता है, अगर कोई ऐसी कोई छुपाया जाए ना, किसी नाश को इन्होंने छुपाया उसमें, हाँ जी उसमें हमने ना वो जुर्म इजाद कर दिया। 201 थे पहले दादी को घर गुर तो जाते हो गए ना दादी के साथ ही घर है, दूर है बाकी साथ घर है। सही है, वैसे भी आती जाती थी, तो इसने बुलाया दादी को, दादी आई है शॉप पे, तो इसने पानी वगैरह पिलाया है, हमारी प्लानिंग 2 दिन के पहले हुई थी, तो इसने बुलाया है, वो आई है, वो चेयर पे बैठी थी, इसने मुँह पे हाथ रखा है, मैंने गला दबा दिया है, फिर हमने वो बोरी नमा में डाल के अपना बाईपास की तरफ लेके गए हैं, उधर रखा है। दादी चीखी चूकी नहीं कोई? नहीं, मुँह पे हाथ रखा था। ये दोनों नाजरीन सफाक दरिंदे हैं, दोनों भाई हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक की 22 साल है। इन्होंने अपनी दादी को बेरहमी के साथ कत्ल किया, उसकी लाश को बोरी में डाला, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद दरिया में बहा दिया और फिर ये घर जाके सो गए। फिर इन्हीं के बकौल ये काफ़ी रोज तक अपनी दादी को तलाश भी करते रहे, उसी के कातिल उसी को तलाश करते रहे। ऐसा ख्याल नहीं आया एक बार भी कि मैं अपने बाप की वालदा को कत्ल कर रहा हूँ तो उस पर क्या बीतेगी? पर उस वक्त दिमाग था नहीं, ख्याल आया कोई ख्याल नहीं आया उस वक्त, सब सिर पर। जिंदा थी दादी, प्यार करती थी जी? करती थी। हाथों में जवान हुए होगे दादी के तो? हम गांव में चले गए थे। गांव में चले गए थे, दादी से मिले ही नहीं कभी? नहीं, आते जाते रहते थे। अच्छा, थोड़ा कम आते थे उधर। ठीक है, दादी की जगह तुम्हारी अम्मी के पास जेवरात होते, उसे भी कत्ल कर देना था है? नहीं, उसे क्यों नहीं मारना? वालदा थी तो ये तो तुम्हारे अब्बू की वालदा थी है? ऐसे इंसान से गलती हो जाती है। अच्छा, ये छोटी सी गलती है, माफ कर देना चाहिए तुम्हें?
माफी के काबिल तो नहीं है, माफी के बिल्कुल काबिल नहीं, हरगिज नहीं भी। हाँ भी बताओ, तुमने अगर तुम्हारी वालदा अपनी माँ को भी मार देना था जेवर के लिए, तो अपने बाप की माँ को क्यों मार दिया? जरा तरस नहीं आया? वो एक बुजुर्ग खतून जिसकी उम्र जो है 75-76 साल के करीब है, क्या बताते हैं कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद क्या इंसान को किस तरह का बन जाना चाहिए? अच्छा इंसान बन जाना चाहिए। अच्छा तुम कैसे अच्छे इंसान बने हो? हैं जब सिर पर आगे तो काम, इसलिए शैतानी चरखा था, तो इंसान से गलती हो जाती है जी। कौन सा शैतानी चरखा? जब पता ही नहीं चला उधर हम ये कर रहे हैं, पता ही नहीं चला हमें क्या हो रहा क्या नहीं। नहीं प्लानिंग की है उस टाइम, उसके बाद सो भी गए हो कत्ल करने के बाद, फिर लाश भी ढूंढते रहे हो, क्या करते रहे हो? लाश वगैरह ढूंढी हम। अच्छा नहीं मिली थी? नहीं मिली थी तो तुम्हें तो पता था, तुम्हें क्यों नहीं मिली थी लाश? ड्रामेबाजी करते रहे जी, साथ फ्रॉड करते रहे जी। तो वो कुरान पाक कहाँ पे है जो हिफ्ज़ किया था? उस वक्त याद ही नहीं था, याद ही नहीं था जी। क्या सजा होनी चाहिए? माफ़ी के काबिल हम नहीं हैं। हाँ फिर भी माफ़ी होनी चाहिए, माफ़ी के काबिल नहीं है। छोटी सी बच्ची है उसकी तरफ से। अच्छा वो छोटी बच्ची का ख्याल आ रहा है, वो जो बुजुर्ग खातून थी तुम्हारी दादी, उसका जरा नहीं ख्याल आया? उसे कत्ल ही कर दिया। उस वक्त तो ख्याल नहीं आया था, बाद में ख्याल आया, लग रहा है नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बेटा, क्या करना चाहिए इसके अलावा, क्या करना चाहिए? उम्र इतनी ठीक है, बस 1-2 साल में उम्र जाएगी। हाँ इसलिए मार दिया। हाँ तुमने क्या करने थे पैसे? उसने तो अपना कारोबार उसका बंद हो रहा था ना, कम हो रहा था, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तुमने क्या करने थे पैसे? इसलिए हमने फिर अपना कारोबार कर दिया। कौन सा? फर्नीचर का कारोबार? किस काम पे कर रहे थे? कारोबार कर रहे थे मुलाजमत? शादी के पास था मैं। हैं शादी के पास था, मुलाजमत करते थे किसी का, अपना कारोबार करना था जी, दादी को कत्ल करके उसका जेवर छीन के अपना कारोबार करना था, और अपनी बच्ची वो जो 3 माह की है उसे वो हराम की कमाई से पालना था, वो कैसी उसकी परवरिश होनी थी? गलत होनी थी पूरा। तो क्या बनना था उसे? जैसे हमने किया वो काल हमारे साथ जैसे वैसे ही करेगी जैसे हमने किया। हाँ भी तुमने भी अपने बच्चों की परवरिश करनी थी जो अभी आने थे जी। क्या कोई शर्मिंदगी है? दादी को जेवर की खातर, लालच की खातर कत्ल करने पर, उसकी लाश को दरिया में बहाने पर, उसके बाद ड्रामे भी करते रहे, ढूंढते भी रहे, कोई शर्मिंदगी हुई? बहुत ज्यादा। कब? किस टाइम? हर टाइम अभी तक भी है। अब भी हुई, पकड़े जाने के बाद भी हुई? अच्छा कितने का बेचा सोना तुमने? 1,40,000 रुपए। कहाँ पे? पेशावर। पेशावर क्यों बेचा जा रहा? उधर मेरे ससुराल रहते हैं, उधर गया हुआ था। अच्छा 3 माह पहले शादी हुई तुम्हारी जी? लव मैरिज की है? अरेंज ऐसे रिश्ता हुआ था, अरेंज हुआ, अरेंज हुआ था। चलो अब तुम्हारे ससुराल वाले भी देख रहे होंगे किसके साथ शादी कर दी उन्होंने अपनी बेटी। इतने सफाक दरिंदे हो, पहले भी लोगों को कत्ल करते रहे? नहीं सर। दादी मारनी थी बस? गलती होगी हमसे, ये बहुत बड़ी है हमारे लिए, तो गलती पे सजा नहीं होनी चाहिए तुम्हें? सजा तो होनी चाहिए, माफी के काबिल तो हम नहीं है। फिर भी जो अल्लाह पाक को मंजूर हुआ वही होना। अच्छा तुम क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मौत के हकदार है, माफी काबिल तो नहीं है, सजाए मौत ही होनी चाहिए। सजाए मौत ही होनी चाहिए। बच्ची है 3 माह की? 9 माह की बच्ची। 9 माह की है? अच्छा उसे पालना है तुमने बाहर निकल के? अच्छा फिर उसे पालने के लिए मुश्किलात आएंगी, ये वो, फिर किसी को कत्ल करोगे? माँ के पास भी सोना है? कितना है? माँ के पास सोना नहीं है। नहीं है? और किस किस पे नजर रखी हुई है, और किसके पास सोना? चाची, ताई? नहीं। मामी? नहीं। किसी के पास नहीं, सिर्फ दादी के पास। इंसान से गलती हो जाती है, जो भी रिश्तेदार हैं वो चुकन्ने हो जाएं, जिस जिसके पास सोना है, अगर इन्हें मौका मिला, वैसे तो मिलना नहीं है इन्हें, ये जेल जा रहे हैं, लेकिन ये किसी का भी सोना छीन सकते हैं। ऐसी नहीं करोगे? शर्मिंदा हो? कहाँ से लग रहा है शर्मिंदा? कब हुए शर्मिंदा? दिन का ये वाक़ा हुआ। कोई शर्मिंदगी नहीं, तुम तो अपने पैसे के पैसों का इंतजार कर रहे थे। हैं? गलती हो गई। सही है। अपने भाइयों को बताया, बाकी जो 4 भाई हैं? सबको बताया। नहीं नहीं पहले जब पकड़े नहीं गए थे, अपने बाप को बताया? किसी को भी नहीं बताया। क्या कहते वालिद तुम्हारे, मिले?
जब पता लग गया उन्हें कि मेरे बेटों ने क्या गुल खिलाया, कौन सा चांद चढ़ा दिया, मेरी माँ को ही मार दिया है, मिले हैं। अच्छा, क्या कहते? उसने हमें बोला ये आपने बहुत बुरा किया है। अच्छा, फिर अल्लाह के तरफ दुआ करो, अल्लाह आपको माफ कर दिया। ये कह के गए, तुम्हें क्या कहा भाई तुम्हारे घर वालों ने, कौन कौन मिला? घर वाले से कोई भी नहीं मिला, बस पापा ही मिले। अच्छा, पापा ने क्या कहा फिर तुम्हें? बस उन लोगों ने यही कहा है कि माफी के काबिल तो आप है नहीं, रब से दुआ करो शायद माफी मिल जाए। अच्छा नाजरीन, ये वो दोनों दरिंदे हैं जिन्होंने अपनी मोहम्मद बुजुर्ग दादी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इनकी जुबानी आपने खुद सुना, हमें तो नहीं लग रहा कि ये शर्मिंदा भी हैं, इन्हें लगता है उम्मीद है, क्योंकि एक कहता है कि मैंने अपनी मासूम बच्ची को पालना है, उसकी परवरिश करनी है, उसे बड़ा करना है, उसकी खातिर जो है इसके साथ जो है रहम की अपील अपनी तरफ से कर रहा है कि की जाए। दूसरा कह रहा है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, उसने भी बच्चों को पालना था, तो इन्होंने ये इन पैसों के साथ तरबियत करनी थी। तो लालच इंसान को इस तरह का हैवान बना देती है, जैसे इन दोनों भाइयों को बनाया। इन्होंने कुरान पाक की तालीम हासिल की, लेकिन देख लें कुरान पाक हिफ्ज करने के बावजूद भी उसका एक जर्रा भी इनके सीने में नहीं उतरा, और इन्होंने इतना बड़ा जुल्म अपने ही घर में ढा दिया, अपने ही बाप की वालिदा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसकी लाश को जो है वो दरिया में बहा दिया, जिसकी लाश तो अलबत्ता अभी तक नहीं मिल सकी। पुलिस इनसे अभी भी तफ्तीश जारी रखे हुए है, इसके बाद इन्हें जुडिशल जेल भेज दिया जाएगा, वहाँ पर उसके बाद ये केस चलेगा और इनको किए की करार वाकया सजा दिलवाई जाएगी। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसा करने से पहले